जयराम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने अयोध्या जी में यहाँ हनुमानगढ़ी पर दर्शन किए थे। और अभी हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने के बाद हम लोग चल रहे हैं राजा दशरथ महल और श्री राम जन्मभूमि। तो आप वीडियो में बने रहिए और श्री राम जन्मभूमि और राजा दशरथ महल के दर्शन का आनंद लीजिए। तो चलिए चलते हैं। अभी पीछे हमने हनुमानगढ़ी पे दर्शन किया और यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर ये दशरथ महल है और अब इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है और अभी इसके अंदर चलते हैं। बड़ा स्थान, बड़ी जगह। तो अभी हम लोग राजा दशरथ महल जी के मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। ये है मुख्य द्वार, जहाँ से ये आपको सामने दिखाई दे रहा है राजा दशरथ महल का जो मुख्य दरबार लगता है। यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं और ये महल बहुत विशाल है, बहुत भव्य तरीके से इसे सजाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से सजाया गया है बहुत ही भव्य लगता है। आप हो सकता है मोबाइल स्क्रीन पर उतने अच्छे तरीके से ना देख पाएँ, लेकिन जब आप यहाँ पर खुद आएंगे तो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पे और मन खुश हो जाता है यहाँ पर आकर। वो बोलते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसे ही है यहाँ पर, मज़ा आ जाता है पूरा जो दृश्य है देख कर। और जिस तरीके से पूरा भव्य वातावरण है, सीताराम सीताराम राम 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 हमेशा चलता रहता है। तो आप भी आइएगा कभी और यहाँ के अच्छे वातावरण का आनंद लीजिएगा। और यहाँ पर राजा दशरथ जी के पूरे दरबार को दिखाया गया है। यहाँ पर तीनों राजा दशरथ जी की तीनों रानियाँ, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी, सभी को दिखाया गया है। आई होप शायद यहीं पर इनका ये मुख्य दरबार रहा होगा। और यहाँ पर कुछ भेंट चढ़ाए गए हैं जो दान के रूप में आप भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं अगर देना चाहें तो। और आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ इस राजा दशरथ जी के महल का और इन्जॉय कीजिए।
अभी हनुमानगढ़ी और दशरथ महल से हम लोग यहाँ जो राम मंदिर का मुख्य जहाँ पर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर आ गए हैं और अभी अंदर चलते हैं। वहाँ पर मोबाइल कैमरा या कुछ भी और ले जाना अलाउ नहीं है तो इसलिए इसे बाहर ही रखना पड़ेगा और चलते हैं अंदर, फिर दर्शन करके आते हैं और आपको फिर बताते हैं। ये लाइन लगी है राम जन्मभूमि जाने के लिए तो इसी लाइन में हम भी लगते हैं ये मोबाइल जमा करके और फिर दर्शन करने के बाद फिर आकर आपसे लोगों से मिलते हैं। ये राम जन्मभूमि में जाने से पहले ही आपको उसके पहले ही लॉकर की सुविधा मिलेगी जहां पर आप अपनी मोबाइल बैग या और सामान रख सकते हैं और फिर अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं और वापस आकर अपना सामान लेकर फिर आगे चल सकते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करके अंदर से वापस आ गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं लोग वापस आ रहे हैं। अंदर आपको जैसा शुरू में जब मोदी जी आए थे टीवी में दिखाया गया था सेम वैसे ही है। अभी कुछ ज़्यादा निर्माण नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के पश्चात जब आप बाहर निकलेंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी जिसमें तरह तरह के सामान बिकते हुए आपको नज़र आएंगे। इसमें श्रृंगार से लेकर और किताबें तक मिलेंगी जो रामायण काल से संबंधित हैं, श्री रामचंद्र जी से संबंधित हैं, वो आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और यहाँ से आगे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी बहुत अच्छे प्राइस पे, लेकिन आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा मोल भाव करना पड़ेगा और अच्छी चीज़ अच्छे दाम पर मिल जाएगी। और हम भी देखते हैं क्या हम ले सकते हैं यहाँ से जो हमारे लिए ठीक है। यहाँ हमारे मोनू भाई संख खरीद रहे हैं और इसे बजाना सीख रहे हैं लेकिन बजा नहीं पा रहे हैं काफ़ी देर से, करीब आधे घंटे से ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनसे बज नहीं रहा है। ऐसे करके पुकारा, देखिए वो छोटा है वो नहीं बजेगा आप, तो इसको रखिए ये बजेगा, मुँह बजा बड़ा ऐसे बजेगा ऐसे। बस यही बात होती है। ऐसे बजा रहे हैं इसको मुंह पे बैठा के उतना बारीक बजा रहे हैं।